बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का समाचार, उत्तर कसा साहित्य परिषद की माननीय सदस्य की शपथ ग्रहण समारोह। आज डिमासो जिला उपायुक्त कार्यालय की कॉन्फ्रेंस कक्ष में उत्तर कसा साहित्य परिषद की दो माननीय सदस्य की शपथ ग्रहण का अनुष्ठान हुआ। यह दो माननीय सदस्य नेपाली जनगोष्ठी के ईश्वरी प्रसाद जोशी एवं बंगाली जनगोष्ठी के लिटन चक्रवर्ती। इन दो सदस्यों को शपथनामा की पाठ जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमिताभ राजपुरा द्वारा पढ़ाया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उत्तर कसा साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरला सा, परिषद के अध्यक्ष का रानू लंका सा, कार्यवाही सदस्य निपलाल हो जाए, कार्यवाही सदस्य लालरेम श्यामा दारमे, कार्यवाही सदस्य सामुएल चेंगसंग, भारतीय जनता पार्टी के जिला सभापति गणपायन थोसन के अलावा परिषद के सचिव एवं अन्य विशिष्ट सदस्यगण उपस्थित थे। স্বশাসিত পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ায় ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে বলছি, আমি বিধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি নিষ্ঠাপূর্বক শুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব এবং বিশ্বাসের সহিত নিজ কর্তব্য তথা দায়িত্ব পালন করিব। उत्तर कचर पर्वत शैक्षिक शासित परिषद डिमासा जिला को एकजना सदस्य को रूप में मनोनीत भएको हुनाले ईश्वर को नाम में प्रतिज्ञा लिन्छु कि म विधि द्वारा स्थापित भारत को संविधान को प्रति निष्ठापूर्वक दृढ़ विश्वास गर्दछु तथा जुन पदमा म प्रवेश गर्दछु त्यसको कर्तव्य पालन इमानदारीले गर्दछु। सात फरवरी हफलोंग में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हम बंगाली समाज की ओर से श्री लिटन चक्रवर्ती मनोनीत सदस्य हिसाब से शपथ ग्रहण किए हैं। पहले में उत्तर कचर पार्वत्य स्वशासित परिषद की मुख्य कार्यवाही सदस्य श्री देवलाल गोरलासा जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उनको रिकमेंडेशन से हमें हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जी ने हमें नियुक्त किए हैं। उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है
हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी समाज के लिए तथा पूरी जिले के लिए सही तरीके से काम करने का कोशिश करेंगे और ये हमारी जितनी सदस्य है उनको साथ साथ मिला के सबको मिलकर हम इस जिला को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और हमारे समाज को जितनी से जितनी अपनी कोशिश रहेगा कि अपना उनको भला किया जाए तो ये कोशिश हम जारी रखेंगे जब तक हमारा काल संपूर्ण ना हो। हम सभी को आज जो उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापन करके हमारी छोटी सी बात यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लेने का मौका मिला, इसके लिए खास तौर पे मैं अपने उत्तर कचर पर्वत साहित्य शासित जिला के सीएम श्रीमान देवलाल गोरसलासा जी को मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर उन्होंने रखा और मुझे सदस्य के रूप में मेरा नाम नियुक्त करने के लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए यह आशा करता हूँ कि उनके साथ मैं काउंसिल का सदस्य बनकर उनके कदम से कदम एवं हाथ से हाथ मिला के उनके साथ मैं अपने समाज का कार्य आगे बढ़ा ले जाऊँगा, यही आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद, थैंक यू।